उत्तराखंड के चमोली जिले से समूचे प्रदेश के लिए एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां भारतीय सेना में तैनात जवान ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया है। शहीद जवान की पहचान शैलेंद्र सिंह कठैत के रूप में हुई है। बताया गया है कि वे मूल रूप से उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के कुमराड़ा गांव के रहने वाले थे। शहीद जवान शैलेंद्र कठैत भारतीय सेना की गढ़वाल स्काउट में बतौर राइफलमैन कार्यरत थे। उनकी शहादत की खबर से जहां उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है, वहीं समूचे क्षेत्र में भी शोक की लहर दौड़ गई है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार शैलेंद्र गढ़वाल राइफल्स के गढ़वाल स्काउट में जोशीमठ में तैनात थे। जवान शैलेंद्र भारत चीन सीमा के नीति घाटी की गोल्डुंग पोस्ट पर अपने साथियों के साथ गश्त के लिए गए थे। इस दौरान उनका पैर फिसल गया और वे सीधे ग्लेशियर की पहाड़ी से नीचे गिर गए। जब तक जवान को पहाड़ी से निकाला, तब तक उनकी जान जा चुकी थी। बताया गया है कि वे अपने घर के इकलौते चिराग थे। 2 माह पहले ही उनके पिता किरपाल सिंह कठैत का निधन हुआ था। पिता की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए वे छुट्टियों पर घर आए हुए थे, जिसके उपरांत उन्होंने पुनः ड्यूटी ज्वाइन की थी। उनकी शहादत की खबर से उनकी पत्नी अंजू और मां का रो रो कर बुरा हाल है। वह अपने पीछे 5 और 1 वर्ष की 2 छोटी बेटियों को भी रोता बिलखता छोड़ गए हैं। आपको बता दें कि शहीद जवान शैलेंद्र वर्ष 2017 में लैंसडाउन से सेना में भर्ती हुए थे। उनकी शहादत की खबर के बाद से उनके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बताया गया है कि आज बुधवार को उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया जाएगा और इसके उपरांत पैतृक घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।